जो भी चाहिए Z5 ऐप पर पाएं। बस Z5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। गुरुदेव वो बच्चा इसी हवेली में, वो रहा शैतान की औलाद। हमें अस्पताल जाना होगा, शैतान का खून है वहां, हमें उसे हासिल करना होगा। अच्छा हुआ आप आ गए, आपकी बहुत याद आ रही थी मुझे। बाकी फोटो है इसमें, अच्छे से देख लेना और उसे ऐसी जगह छोड़ के आना कि वापस बैरामगढ़ की तरफ झांक के बिना देखे। सुबह तक मन नाम की मुसीबत टल जाएगी। चले मिस्टर जूनियर सिसोदिया। बस किसी तरह तुम उस शैतान के खून में इसे मिला देना, वो शैतान अपने आप मर जाएगा। अगस्त को होगा जन्माष्टमी के महामिलन का आगाज, जहां सिया को करना होगा मन की खातिर पहली बार देवकी दाई के कहर का सामना, और गुड्डन फंसेगी अंतरा के रचे उसका चीर हरण करवाने की साजिश के माया जाल में। जन्माष्टमी के इस महामिलन में गुड्डन और सिया को सुरक्षित निकलना होगा अपनी जिंदगी के रचे जानलेवा चक्रव्यूह से। 19 अगस्त शाम 7 से रात 8:30 बजे। OMG बेबी डॉल, ये तुम क्या कह रही हो सिया? I'm sorry मां, बहुत गलत कहा है मैंने, लेकिन इस वक्त ये हम सबके लिए सही है, इनफैक्ट दाई मां के लिए भी। कभी कभी अपनी माँ को गलत राह पे जाने से रोकने के लिए, उन्हें दर्द से बचाने के लिए, कभी कभी अपनी माँ को गलत राह पे ऐसे कड़े कदम उठाने पड़ते हैं। सही कह रही है। बहुत बड़ी गलती की आपने दाई ने, एक मासूम बच्चे को मारने की कोशिश, मेरी एक गलती छुपाने के लिए आप इतना बड़ा गुनाह करने चली थी।
झुमरी, दाई माँ का सारा सामान पैक कर दो। इन्हें वो हर चीज देना जिनकी इनको जरूरत है। ध्यान रखना कि कोई कमी नहीं आनी चाहिए। आप सबके प्यार और विश्वास की वजह से यादव की आज तक जिंदा थी कुबरानी सा। चीजों की कमी तो कभी ना हुई है मन में। आज जब मन का विश्वास ही विष के वास में बदल गया हो तो आदेव की ने कुछ ना चाहिए। खम्मा घड़ी कुबरानी से, खम्मा घड़ी कुबर सा। ये फैसला सब बर्बाद कर देगा सिया। मन को अपनाना, उसका सबके सामने अभिषेक करना ये सही नहीं है। सिया, मैंने फैसला किया था उसकी जिम्मेदारी उठाने का, अच्छी परवरिश देने का, अपना नाम देने का नहीं। अगर जन्माष्टमी के उत्सव के दिन तुमने उसे अपना नाम नहीं दिया तो मैं ये घर हमेशा के लिए छोड़ के चली जाऊंगी। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखिए। आज तुम्हारी वजह से हमारे परिवार का पैसा प्रॉपर्टी सब वापस आने वाला है। हमने जो भी कुछ किया वो हमारा फर्ज था, वो एहसान नहीं किया। एहसान तो तुमने किया है ना गुड्डन, मुझसे शादी करके, लेकिन तुम्हारा ये एहसान मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशनसीबी बन चुकी है। काश आपने हमारा भरोसा, हमारा दिल नहीं तोड़ा होता तो आज हम भी आपके सामने अपने जज्बात जाहिर कर पाते। आखिरी सांस तक इंतजार रहेगा मुझे गुड्डन, जब तुम अपने जज्बात छिपाने के बजाय पहले की तरह खुल के जताओगी। ये भाड़े के टट्टू उन लोगों का नाम बताने को तैयार हो गए जिन्होंने आपको अगवा करने की कोशिश की। ध्यान से देखो सबको, कौन है इनमें से? आप रिया के फादर को देखना चाहती हो? आपको देखना चाहिए ताकि अगली बार जब आप ऑफिस आओ तब उन्हें पहचानने में गलती ना करो, और जब पहचान लो तो बेझिझक डांटो उसे, और जब भी डांटो ना तो मुझे बुलाना। मैं देखना चाहता हूँ वो आपकी डांट खा के उसका मुंह कैसा होता है, मजा आएगा मुझे। देखिए शादी तो मेरी होगी प्रीता जी से, सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी। ओके सर। आप मेरे बच्चे को अपना ही नहीं पाए वेदा, इसलिए इतनी आसानी से उसे मार दी। मन करता कि मैं तुम्हारे सारे आंसू चुरा लूं, कस के गले लगा लूं, पर सामने आके तुम्हें दुख नहीं देना चाहता पूर्व। पहले अपना सच साबित करना चाहता हूं, से पहले पंखुड़ी से जवाब चाहिए मुझे। सदियों से तरसे है जैसी जिंदगी के लिए, तेरी सोहबत में दुआएं है उसी के लिए। कुछ तो है तुझसे रابطा, कुछ तो है तुझसे रابطा। मैं अभी आता हूँ। क्या नंदिनी ने मुझे जेल से छुड़ाया और इतने टाइम से कुछ गड़बड़ करने की कोशिश भी नहीं की। नंदिनी क्या सच में सुधर गई है या कुछ बड़ा प्लान कर रही है? I'm sorry, रिमझिम, मैं तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुम्हारी आवाज से प्यार करता हूँ, तुमसे नहीं। तुम्हें मेरी आवाज से प्यार है और मुझे तुमसे, मैं तुमसे प्यार करती हूँ नक्ष। आई लव यू। संपदा एक काम करो, ये इयररिंग एट जाके ना केती को दे दो वापस, और फिर हो सकता है कि हमें केती का सच पता चल जाए या फिर उसके खिलाफ कोई सबूत मिल जाए। ये दरवाजा बाहर से क्यों लॉक किया? बाहर जाऊं तो कैसे जाऊं?
मल्हार अब कमरे की तरफ क्यों जा रहा है? कल्याणी तो वहां से निकल चुकी होगी।